जमीनी विवाद एक ऐसा मामला है कि जब तक इसमें किसी की जान ना जाए या दोनों पक्षों में किसी को चोट ना आए तब तक ये मामला सुलझ नहीं सकता। आपने अक्सर देखा होगा लगातार न्यू टीवी सिवान चैनल की टीम कई खबरों को दिखाई भी है जिसमें जब भी कोई जमीन विवाद का मामला आया तो उसमें दोनों पक्षों को चोट तो जरूर आई। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि आज एक हम ऐसे परिवार के बीच खड़े हुए हैं, एक ऐसे परिवार से आपको मिलाने वाले हैं जिस परिवार के साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटी है। ये लोग काफ़ी चिंता में हैं, काफ़ी डरे हुए हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि कैमरे के पीछे हमने इनसे बात किया था तो पता ये चला कि कुछ साल पहले इनकी ज़मीन को हड़पने के लिए इनके घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक मुस्लिम परिवार का घर है जो इनके ज़मीन को हड़पना चाहता है। इसको लेकर ये लोग काफ़ी विरोध भी किए, तब उस समय मारपीट भी हुई थी और इस परिवार के कुछ सदस्य जो हैं गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। इसके बाद स्थानीय थाने की पुलिस प्रशासन की टीम CO साहब आए थे, पंचायत के जनप्रतिनिधि आए थे, मामले को शांत किया गया। हाँ, कुछ साल मामला शांत रहा लेकिन अचानक कल फिर इनके द्वारा कुछ लगाए गए पेड़ पौधे को कुछ लोगों ने काट दिया। अब ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि उसी मुस्लिम परिवार के लोगों ने इनके पेड़ पौधों को काटा है जिनसे इनकी दुश्मनी चल रही है। तो हम इनसे बात करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर इनके साथ कैसी घटना घट रही है, क्यों घट रही है और इस घटना में कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन लोग इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। कई सारे सवाल हैं और सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। लेकिन कुछ भी बात करने से पहले, इस घटना की सच्चाई जानने से पहले हम अपने नए दर्शकों को परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं अतिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। बता दें कि यार न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीम है पहुँची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मोरा पंचायत के मैरी सुदामा गांव में, जहां खड़े हैं हम। ये मैरी सुदामा गांव है और इस मैरी सुदामा गांव की एक गरीब परिवार से आपको मिलवाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस परिवार के कुछ माताएं बहनें, कुछ भाई काका लोग मौजूद हैं और जो काफ़ी चिंता में हैं। तो आज इनसे बात करेंगे पूरी मामले की सच्चाई क्या है। क्या नाम है आपका? नगेंद्र कुमार गुप्ता, ग्राम पोस्ट मैरी सुदामा, भगवानपुर हाट, सिवान। अच्छा, ये बताइए क्या घटना आपके साथ घट रही है, क्यों लोग आप चिंता में हैं, लगातार आपको जान से मारने की जो धमकी मिली कौन दे रहा है, ये सब सच्चाई क्या है? सर घटना की सच्चाई है कि हमारा 4 कट्ठा दूर दूर जमीन है, 2 कट्ठा में घर बन गई बा और 2 कट्ठा पड़ती है, मैंने पड़ती हाँ छोड़ल बा, तो के दबंगई करके वो जमीन चाहते हड़पे खातिर कितना पंचायत हो गई बा, कितना पंच लोग आई बा, ऐसे न कि CO सर आके भी पंचायती चाहे जो बाउंडी करे बनी सब करे बनी, बाकी वो हड़पे खातिर कब जान मारने के धमकी देता ने, कब कुछ करता ने। एजा से मैंने हमारे घर के बगली में 100 गज बगल में मोहम्मद नईम के घर बा, उनके नाम से केस चलेला। अच्छा। आ जौन होला तौन उहे करता ने। हमार जैसे आज से 2 साल पहले 3 साल पहले हमारे पेड़ रहे, पेड़ बोलर नहीं सा उ रात में आगे काट दिले बने, आ धमकी भी धमकी देता ने कि गोली मार देम तो काट देम, वो मुस्लिम हो गया मोहम्मद नईम, हमनी के हिंदू है जा। इतना ना कि हमनी के बगल में हनुमान जी के बा मंदिर वो कहते हैं उखाड़ के फेंक दें, ऐसे करें वैसे करें, सर हमनी के डर हो गई बा, हमनी का करी सर, ऐसे रउआ के बोलनी है सर, आ थाना पर जा तनी आवेदन देवे, CO सर से कहें, SDO सर के लगे आवेदन दें, हमनी के कुछ मैंने का करी से बुझात नहीं है। अच्छा, इसके पहले भी देखा जा रहा कि मारपीट हुई थी? जी सर, एक पहले 10-20 साल सर हुआ है, हम आवेदन दिए हैं थाना पर, जिला में SP साहब के यहाँ, कहाँ कहाँ सर हम लोग आवेदन दिए हैं सर। कितने लोग उस समय घायल हुए थे? उसमें हमारे दादाजी, माँ, बाबूजी का बहुत चोट लगे, सिवान सदर में किए हैं, भगवानपुर किए हैं सर, ऐसे ही बार बार लाठी डांटा, मुस्लिम है सब लाठी डांटा लेकर आ जाते हैं, हम लोग दुकान चलाते हैं, घर के महिला सब हैं, महिला को मार देते हैं, कुछ कर देते हैं सर, रंगदारी महिला छेड़खानी करते हैं सर, वो लोग करते हैं, मुस्लिम है कहे, हम मुस्लिम है कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। तुम जाओ जहाँ मन करो वहाँ कर सर, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, यही मैटर है सर। तो अभी जो बताया जा रहा है कि आपने पेड़ पौधे लगाए थे उसको भी उखाड़ दिया गया? जी, उसको काट दिए हैं रात में आकर सर, काट दिए हैं, बोले कि जब पेड़ पौधा काट दिए हैं बहुत कुछ को, आप लोग भी काट देंगे सर। ये कौन कर रहा है? मोहम्मद नईम कर रहे हैं सर, उसका लड़का कर रहे हैं सर।
कैसे आपको पता है कि उन्हीं लोगों ने पेड़ पौधे काटा है? आज से 4 दिन पहले सर हम भगवानपुर जा रहे थे तो हमको रास्ता में मोहम्मद समीम है स्कॉर्पियो में वो सब बैठे थे लोग बिमल चौक वहीं पर हमको समीम मियाँ घेरा बोले कि तुम ऐसा ऐसा क्यों करता है ऐसा मत करो ना तो आपको बहुत बुरा अंजाम होगा। उसे हम सर उसी से सर हमको शक होता है कि मोहम्मद नईम और सब आकर हमारा पेड़ पौधा काट दिए हैं सर। ऐसा लग रहा है कि आप से दुश्मनी चले तो आप फंसाने के लिए उन पे आरोप लगा रहे हैं? नहीं सर हम फंसाने के लिए नहीं चले। वो और जमीन का मैटर है मोरा बाजार पे 844 है उस हाजिर होना है एडीओ साहब के यहाँ। हमारा जमीन 4 धुरी से है बरियारी उस पर वो मियाँ लोग दिलवा दिए हैं। हम बोल रहे हैं हमारा जमीन ही आप लोग क्यों दिलवाए हैं तो वो लोग 44 किए हैं कि इस पर कुछ नहीं होगा। आज वहाँ पर हाजिर होना है एडीओ सर के यहाँ। और बार बार सर मुस्लिम हम लोग को एकदम हमला बोल रहे हैं। एक दिन सूते थे दुआर पर हम लोग को उठा कर लेकर वहाँ पर लेकर 4-5 को छोकरा लेकर चल गया था सर। इसीलिए पेड़ ओड़ काट दिया हम लोग को पूरा अभी ले खाना वाना सर नहीं बना है पूरा हम लोग पूरा महिला वहिला रो रही है। अब लोग हम क्या करें तो हम बोले आप लोग चुप रहिए हम जाते हैं थाना प्रभारी के यहाँ थी थाना प्रभारी से बोलेंगे सर ऐसा ऐसा मैटर है चल के वहाँ पर जाँच कीजिए सर कौन किस में दोष है क्या है सर उसको कार्रवाई कीजिए। अच्छा इसके पहले जब जमीनी विवाद में लड़ाई झगड़ा हुआ था तो उस समय काफ़ी लोगों को चोटें भी आई हुई थी जी, जी, तो उस समय जब प्रशासन की टीम या सीओ साहब आई हुई तो क्या कुछ उनके द्वारा कुछ कार्रवाई की गई? जी कार्रवाई हुआ था हम गए थे जनता दरबार में तो हमको आदेश हुआ था थी बाउंड्री करानी पूरा बाउंड्री हो गया तो बाउंड्री के लेके सर उसको टेंशन है हमारे पास सब हमारे पास प्रूफ है देखिए सब डिग्री है सर हमारे पास तो अभी बोलता है कुछ कोई नहीं कर सकता है जो बुझाएगा हम करेंगे कोई कुछ नहीं कर सकता है हम जाए तो काट भी सकते हैं पूरा घर को काट देंगे ऐसा ऐसा सर धमकी देता है सर पूरा हम लोग परेशान है सर पूरा दिक्कत हो रहा है सर। जो आप आरोप लगा रहे हैं सब सत्य है? एकदम सर सब सच है एकदम बिल्कुल सच है जांच सर इसको करवाइए। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हमको अन्याय चाहिए सर जांच हाँ न्याय चाहिए सर जांच हो कौन गाछ काटा है सर। हम वन विभाग में गए थे तो बोले कि जहाँ से पेड़ खरीदे थे उसके पास हमारा रसीद है तो बोले सर से कि सर ऐसा ऐसा मैटर है तो बोले कि सरकारी जमीन हो तो हम कार्रवाई करेंगे तो हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो सर हम लोग और उदास हो कि अब कहाँ जाए तो फिर बोले कि नहीं हम जाएंगे अपना थाना में अपना बड़ा बाबू से सब बताएंगे साहब से बताएंगे सीओ सर से बताएंगे और जाएंगे सीओ सर के पास थाना प्रभारी में आवेदन देंगे। क्या कुछ आप चाहते हैं? हम सर हमको अन्याय चाहिए। अन्याय में क्या चाहिए? अन्याय में सर हमको चाहिए कि मारपीट सब हमारा जमीन चाहिए मारपीट नहीं होगा ना तो हमको डर है कि हमारा इतना सब महिला है कुछ आकर छेड़खानी कर दे यही डर है सर। हमारे दुकान पर हम लोग दिन भर रहते हैं 11 बजे रात में आते हैं दुकान से सब महिला अकेले घर में रहती है सर बार बार घर में। आप आरोप लगा रहे थे कि आपके घर के जो लेडीजे हैं बच्चियां हैं स्कूल जा रहे थे तो उनके साथ भी छेड़खानी? जी छेड़खानी करती है सब जाते हैं तो सब बोल मारता है ये हिंदू है ये करेंगे वो करेंगे सब महिला है आके अपने मामा से बोलती है कि ऐसा मैटर है सर हम लोग क्या करेंगे जान का खतरा भी है। जी जान का खतरा है सर हम हमारा एक पिकअप है रहा बार बार घेर लेता है वहाँ पे वो टॉर्चर करता है कहता है कि नहीं जाने देंगे गाड़ी इधर से ले जाओ इधर से तुम्हारा बाप के रोड है। अच्छा हम थाना में आवेदन दिए हैं सर। कौन लोग शामिल है इसमें? इसमें मोहम्मद नईम दबंग टाइप का है कोर्ट में उसका कागज पकड़ा गया है इसे 10,000 रुपया दंड लगा है कानूनी कार्रवाई का इसे सब दिए हैं DCLR साहब देखिए सर बाकी वो नहीं डरता है कहता हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हमको सर हरदम चढ़ता है हम तारीख भी जाते हैं तो तारीख पर हमको सीमान भी 1-2 दिन चढ़ दिया है रोड में। अच्छा। हम अपना अथी जाकर कोर्ट में बताए हैं थाना पे आवेदन दिए हैं सर। आपको बता दें कि जिस तरह से आपने देखा कि आज न्यू टीवी सिवांचल की टीम मोरा पंचायत की मैर सुदामा गाँव में मौजूद है और एक गरीब परिवार से आपको मिलवाई बात करने का प्रयास की और बात भी हुआ पता ये चला कि मामला जो है जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है और कुछ साल पहले इस जमीनी विवाद को लेकर मारपीट भी हुई थी जिसमें इनके परिवार के लगभग 2-3 सदस्य गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे लेकिन सीओ साहब और स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम आकर मामले को शांत कराई मामला शांत चला लेकिन अभी अचानक कल फिर इनके द्वारा कुछ पेड़ पौधे द्वार पर लगाए गए थे उस पेड़ पौधे को काट दिया गया। अब ये आरोप लगा रहे हैं कि जिनसे इनकी दुश्मनी चल रही है यानी इनके घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक मुस्लिम परिवार का घर है जिनका नाम मोहम्मद नईम बताया जा रहा है उनके द्वारा ये पेड़ को काट दिया गया है ये हम नहीं बल्कि पीड़ित परिवार खुद आरोप लगा रहा है। अब देखना यह होगा कि ये जो आरोप लगा रहे हैं अपनी विपक्षी पार्टी पे क्या वो वाकई बात सत्य है या सिर्फ उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है।
हालांकि हमारी खबर अगर दूसरे पक्ष के लोग अगर देख रहे हों तो आप भी संपर्क कीजिएगा, हम आपकी बात भी अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे, तभी जाकर जनता जो है पुलिस प्रशासन की टीम समझ पाएगी कि आखिर इस घटना की सच्चाई क्या है। क्योंकि अगर दो पक्ष का अगर मामला है तो दोनों पक्ष जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक पता नहीं चल पाता है कि कौन पक्ष के लोग जो हैं सही बोल रहे हैं, किस पक्ष के लोग झूठ बोल रहे हैं। तो हमने इस परिवार से तो बात कर लिया, अब आप भी चाहें तो आप भी बुलाएंगे, हम आपकी भी बात सुनेंगे और वहाँ आपकी भी बात प्रशासन तक रखेंगे, तब जाकर पता चल पाएगा कि इस मामले की पूरी सच्चाई एवं हकीकत क्या है। तो जिस तरह से आपने देखा कि जान न्यू टीवी सिवांचल की टीम आपको यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई, हम इसी तरह और भी जगहों से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे बीच। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नई नई ताज़ा ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से, संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।